तो आज लंच के लिए मैंने लिया है लेपू सोलफिश, और इसकी मैं अभी गोवन स्टाइल करी बनाने वाली हूँ, और रवा फ्राई। और उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक नारियल, ये मीडियम साइज़ मतलब उतना ही है, और इसका मैं अभी छिलका निकाल के लेने वाली हूँ, क्योंकि कढ़ी बनाने के लिए तो नारियल तो बनता ही है। और ये इतनी मस्त बनती है ना, इतनी अच्छी लगती है ना खाने में कढ़ी, तो इसे आप लोग ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही अच्छी बनती है। और आज देखिएगा, आज इतनी पंछियाँ यहाँ पे बैठी थी ना, ये हमारे घर के पीछे साइड में है, और यहाँ पे मैं अक्सर मतलब ये नारियल छीलती हूँ, और इवन जो मच्छी वगैरह होता है ना, तो मैं यहाँ पर ही क्लीनिंग करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे बैठ के क्लीनिंग करने से, वो पंछी की आवाज़, फिर ठंडी हवा होती है ना यहाँ पे, इसलिए। तो देखिएगा, मैंने अभी नारियल को छील लिया है, तो बस अभी आगे के प्रोसेस देखते हैं। और इस नारियल को अभी मैं फोड़ के स्क्रेप करने वाली हूँ, और ये जो कढ़ी है ना, ये हम दोनों के लिए बनाने वाली हूँ, क्योंकि बच्चे कढ़ी ना नहीं खाते हैं, उनको थोड़ा तीखा लगता है ना, इसीलिए। तो अभी मैं आधे नारियल को स्क्रैप करके लेने वाली हूँ, जो और जो आधा नारियल छोटा टुकड़ा था ना, तो उसे मैंने स्क्रैप नहीं किया है, ये देखिएगा। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच जितना मैंने धनिया के बीज डाले हैं, फिर यहाँ पे मैंने लिया है सूखी इमली, तो वो भी इसमें डाल देना है। और यहाँ पे मैंने लिया है सूखा वाला लाल मिर्च, तो जितना आप लोगों को तीखा पसंद है, और जो भी आप लोग यूज़ करते हो, तो वो इसमें डाल दीजिएगा। तो बस अब हमें इसे अच्छे से बारीक पीस लेना है, और मैं अभी पीस के लेने वाली हूँ इस वेट ग्राइंडर में, और इससे ना फिर कढ़ी अच्छी बनती है, और जो कढ़ी का पेस्ट है ना, वो भी इसमें बहुत ही फाइन बनता है। तो बस मैं मतलब हमेशा और इसी में मैं कढ़ी का जो मसाला होता है, वो मैं पीस लेती हूँ। तो इसे मैंने अभी अच्छे से धो लिया है, और जो भी अभी सामग्री कढ़ी के लिए तैयार की है ना, तो मैं अभी इसमें डाल देने वाली हूँ। आप लोग चाहो तो मिक्सर जार में भी इसे पीस सकते हो, लेकिन आप लोगों को बारीक पीस के लेना है। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ पानी, और मिक्सर से ज़्यादा इसमें पानी लगता है। और बस अभी जब तक ये पीस के तैयार होता है, मैं अभी फ़िश क्लीन करके लेने वाली हूँ। तो मैं आ गई हूँ घर के पीछे साइड में, और ये जो है ना, तो फिश क्लीनिंग बहुत ही आसान है। इसका जो अभी ऊपर का स्किन होता है ना, वो इसका निकाल देना है, इस तरह से दोनों साइड से निकालना है। और जो फ्रेश होता है ना, उसका स्किन बहुत टाइट होता है। तो बस अब इसका जो हेड पार्ट है ऊपर का, ये मैंने इस तरह से इसे निकाल दिया है। पूंछ भी मैंने इसके काट लिए है थोड़े से, और इसके जो पंख होते हैं ना बारीक बारीक साइड में, इसके फिन्स, तो उसे भी इस तरह से मैं कट करके ले रही हूँ। तो बस इस तरह से जो बाकी के भी अभी सोलफिश है मतलब लेपो है, उसे क्लीन करके लेने वाली हूँ। आज मैंने बहुत सारा लिया है, क्योंकि कढ़ी भी बनानी है और फ्राई भी करना है, नहीं तो अक्सर मैं ना दो अलग अलग फिश लेती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि बस मैं लेपो का ही पूरा बनाऊँगी, मतलब कढ़ी और फ्राई। देखिएगा कितना अच्छे से क्लीन हो गए हैं ये सारे फिश। तो बस अब इसे अच्छे से धो के लूँगी, करीबन तीन से चार बार तो मैं इसे धो लूँगी। और आज मेरी बेटी ना नहीं आई है क्लीनिंग के लिए, नहीं तो जब भी वो घर में रहती है ना, तो ये फिश क्लीनिंग के लिए आती है, और उसे ना मतलब बहुत अच्छा लगता है फिश क्लीनिंग के लिए। अभी है वो छोटी, लेकिन फिर भी वो कर लेती है मेरे साथ में। उसे जितना भी मैं मना करूँ ना, लेकिन वो सुनती नहीं है लड़की, वो फिश क्लीनिंग करती है जो भी हो। तो बस अब इसे मसाला लगाएंगे, तो उसके लिए डाल देना है इसमें स्वाद अनुसार नमक, फिर हल्दी का पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। तो जितना आप लोगों को तीखा पसंद है आप लोग डाल दीजिएगा, मैं हमेशा कम तीखा ही बनाती हूँ। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और फिर इसे ढक के रखना है साइड में, करीबन 30 मिनट रख देंगे, तब तक बाकी का काम मैं निपटा लूँगी।
तो मैं अभी चावल पकाने वाली हूँ ना, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे रख दिया है पानी गर्म होने के लिए। और ये जो है देखिएगा करी का पेस्ट कितना बारीक अभी पीस के तैयार हो गया है, इसी तरह से मुझे बहुत ही पसंद है। तो बस ये भी अभी पीस के हो गया है हमारा मसाला तैयार। तो अब मैं इसमें थोड़ा पानी डाल के इसे क्लीन कर रही हूँ और बस अभी इसे निकाल देना है। आप लोग जिसमें कढ़ी बनाते हो उसमें, तो आज मैं कढ़ी बनाने वाली हूँ मिट्टी के बर्तन में, उससे ना कढ़ी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो ये मैंने ले लिया है और अब इसमें डाल देना है थोड़ा सा पानी, और ज़्यादा पतला नहीं बनाना है कढ़ी को और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनानी है। तो कंसिस्टेंसी जो है वो मीडियम ही रखनी है। और फिर इसे रख देंगे अभी गैस पे, तो मैंने फ्लेम को लो रखा है, तो इसे अभी उबाल आने तक हमें पकाना है। तब तक मैं यहाँ पे अभी प्याज कट करके ले रही हूँ, और उसके लिए मैंने थोड़ा सा ये टुकड़ा लिया है, देखिएगा बहुत छोटा टुकड़ा है ये प्याज का। और इसे हमें अभी बारीक कट करके लेना है। और मैंने ना मसाला पीसते वक्त ये नहीं डाला था प्याज, तो अब मैं डाल रही हूँ। कोई कोई इसे पीसते वक्त भी डालते हैं, मैं भी कभी कभी ना पीसते वक्त प्याज डालती हूँ, नहीं तो फिर बाद में डालती हूँ इसे पकाने के वक्त। तो प्याज को मैंने बारीक कट करके लिया है। और मेरे पास ना ये लंबी वाली मिर्ची थी, तो उसका मैंने आधा ही मिर्ची अभी कट करके लिया है। आप लोगों के पास छोटा वाला मिर्ची है तो एक मिर्ची डालिएगा। और फिर इसमें डाल देना है 2 कोकम्स, क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा प्लीज़। तो बस ये जो बीच बीच में ना कढ़ी को हमें ऐसे मिक्स करना है। और यहाँ पे अभी पानी गर्म हो गया है, तो मैं चावल पकाने के लिए डालने वाली हूँ। चावल को मैंने अच्छे से धो लिया है, तो मैं इसी तरह से चावल पकाती हूँ। इसमें से पानी निकालती हूँ एक्स्ट्रा, फिर इसमें मैं चावल डालती हूँ, फिर नमक डालती हूँ, फिर मैं इसे पकाती हूँ। और अच्छे से पकने के बाद ना मैं इसका फिर वो जो पानी रहता है ना ऊपर का, क्या हम लोग निवड़ बोलते हैं, तो वो मैं फिर वो निकाल देती हूँ पूरी तरह से। और बस फिर इस तरह से मैं तैयार करती हूँ मैं कुक्ड राइस। तो यहाँ पे देखिएगा इसे अभी अच्छे से उबाल आ गया है, तो इसमें हमें डाल देना है बारीक कट करके रखा है ना अभी हम लोग ने जो भी ये प्याज हरी मिर्च, तो वो इसमें डाल देनी है। और फिर इसमें डाल देना है कोकम्स, तो 2 ही मैं इसमें डाल रही हूँ, नहीं तो फिर ज़्यादा मतलब वो खट्टा हो जाएगा ना। और साथ ही में इसमें डाल देना है लीपो, तो मैं करीबन 7 इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि ये जो करी का क्वांटिटी है ना वो भी कम है, तो उसके हिसाब से आप लोग लीपो डालिएगा। तो बस अब हमें इसमें डाल देना है स्वाद अनुसार नमक, और फिर इसे हल्के हाथों से इस तरह से मिक्स करना है, नहीं तो फिर क्या है ना लेपो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। और करीबन इसे 8 से 10 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे सॉफ्ट होने तक, ज़्यादा भी नहीं पकाना है। तो ये जो बाकी के लेपो है तो उसे मैंने मिक्स कर लिया है। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ बारीक रवा, तो इस लेपो को मैं भी इस रवे में अच्छे से इस तरह से कोट करके लेने वाली हूँ। और बीच में ना आप लोग एक बार कढ़ी को ज़रूर मिक्स कीजिएगा। तो अभी करीबन 9 मिनट हो गए हैं, तो मैं अभी कढ़ी को चेक करके ले रही हूँ। तो कढ़ी जो है ये अभी अच्छे से पक गई है, और ये जो फिश है लेपो तो ये भी पक गए हैं, अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इसे ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना है, क्योंकि अगर ज़्यादा सॉफ्ट बनाएंगे ना तो फिर ये टूट जाते हैं। तो ये देखिएगा बस इतना ही हमें पकाना है इस मच्छी को। तो बस अभी कढ़ी बन के तैयार है, तो मैं इसे रख रही हूँ साइड में। और अभी 10 मिनट हो गए हैं ना, तो मेरा चावल भी पक के तैयार हो गया है, तो उसका भी मैंने पानी निकाल के अभी रख दिया है गैस पे, और इसे मैं रख दूँगी करीबन 2 मिनट। और तवा भी मैंने साइड में रख दिया है गर्म होने के लिए। तो जैसे ही तवा गर्म हो जाएगा इस पर हमें तेल डाल देना है, तो आप लोग कोई भी रिफाइंड ऑयल डाल सकते हो या फिर नारियल का तेल भी यूज़ कर सकते हो। और फिर हमें लेपो को डाल देना है इसके ऊपर इस तरह से, और फिर हमें इसे फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक और क्रिस्पी होने तक।
और बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने के लिए। और जितना इसे तेल लगता है ना, तो उतना आप लोग इसमें बीच बीच में डालते रहिएगा। तो तब तक अब मैं यहाँ पे सैलड बना के लेने वाली हूँ, और उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है प्याज, टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया और छोटा सा टुकड़ा मैं हरी मिर्च डालने वाली हूँ। फिर मच्छी को भी इस तरह से आप लोगों को पलट के लेना है, जैसे एक तरफ से ये फ्राई हो जाएगा तो उसे पलट के दूसरी तरफ से भी फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक और क्रिस्पी होने तक। तो यहाँ पे मैंने अभी जो है प्याज वगैरह तो मैंने कट करके लिया है, मच्छी भी मेरे यहाँ पे देखिएगा ये फ्राई हो गई है, तो मैं इसे भी निकाल रही हूँ। तो इस तरह से हमें बाकी के भी लेपों को फ्राई करके लेना है। और सैलड मैं भी बना रही हूँ, तो इसमें भी डाल देना है स्वाद अनुसार नमक और फिर इसे मिक्स करके रख देना है साइड में। तो बस अब हम लोग इसे रेडी टू सर्व करेंगे। और गर्मा गर्म ना ये मच्छी फ्राइड भी खाने के लिए बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस ये अभी चावल मैंने सर्व किया है, तो अभी मैं सर्व कर रही हूँ कढ़ी को। और कढ़ी देखिएगा अच्छे से गाढ़ा और अच्छा कलर आया है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।